कानपुर में 40 लोगों पर कार्रवाई की, उस घटना का जिम्मेदार कौन है? उस घटना का जिम्मेदार भी निपुर शर्मा है। एनसीपी के नेता शानू पठान ने थाने पुलिस कमिश्नर जयजीत सिंह से मुलाकात कर मेमोरेंडम देकर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एनसीपी लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रही है और अब शानू पठान और मर्जिया पठान अन्य एनसीपी के कार्यकर्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए थाने पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। कानपुर में 40 लोगों पर कार्रवाई की, उस घटना का जिम्मेदार कौन है? उस घटना का जिम्मेदार भी निपुर शर्मा है, क्योंकि निपुर शर्मा अगर ऐसी बातें धार्मिक भावना खेत पहुंचाने की बातें नहीं करती और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं बोलती तो कानपुर जैसे और कई देश में वातावरण खराब नहीं होता। तो आप 40 लोगों पर एफ आई आर दाखिल कर रहे हो, गुना दाखिल कर रहे हो, उनकी प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हो, उनकी प्रॉपर्टी पर कार्रवाई करने के लिए बात कर रहे हो, लेकिन जिसकी वजह से देश और दुनिया को, हमारे भारत को शर्मसार होना पड़ रहा है। दुनिया में भारत को माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं। भारत क्यों माफी मांगे? मांगना है तो बीजेपी सरकार मांगे और निपुर शर्मा मांगे। हमारा भारत हर किस माफी नहीं मांगेगा। बीजेपी सरकार और निपुर शर्मा इसकी गुनेगार है, उन्हें माफी मांगना चाहिए, देश से भी और पूरी दुनिया से भी। हमारी यही भावना है कि आज कानपुर जैसे में 40 लोगों पर गुना दाखिल हो रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, तो जो इस घटना का मुख्य आरोपी, जिसकी वजह से देश और दुनिया का माहौल खराब हो रहा है, उनको एक खुले काम क्यों घूम रहे? उनको किसके सर पे हाथ है? उनको उनकी जगह जेल में होना चाहिए। और साथ ही हमारे ये भी मांगे कि किसी भी धर्म से हो, हिंदू धर्म हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म महापुरुष महात्माओं के बारे में कोई भी अपशब्द यूज करता है तो उसकी जगह सलाखों के पीछे होना चाहिए बाहर में। अभी उनका जो FIR है, हमारी यही मांग है कि लवकर अटक करा, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको इंटरोगेट करना चाहिए।